जी बिल्कुल, सरगोधा के सबसे बड़े तजारती मरकज ट्रस्ट प्लाजा में जो काउंटर रिटेलर्स हैं वो आज जिले इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, और बहुत बड़ी जो तादाद है काउंटर रिटेलर्स की वो इस वक्त एहतजाज करती नजर आ रही है। इस वक्त कुछ रहनुमा उनके हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भाई आप आज एहतजाज कर रहे हैं इंतजामिया के खिलाफ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम यहाँ पे अरसद 30 साल से यहाँ पे हम कारोबार कर रहे हैं और बाज़ तरीके से कमाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत चंद अनासर ऐसे हैं कि जो यहाँ पे हमें काम नहीं करने देते। मेन वो सिटी जो है यहाँ पे बना हुआ सर्कल जो है, उन्होंने हमें डिस्टर्ब किया है। यहाँ पे सिटी इंतजामिया हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। हम अपने हदूद में बैठ के कारोबार कर रहे हैं और SOPs को फॉलो कर रहे हैं। हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाहमत नहीं है, लिहाजा हमें ये रोज़गार हमारे से छीना ना जाए। ये तमाम लोग ये बेरोज़गार हैं, तो इनके लिए खुदाया सोचें। आला काम को मैं गुजारिश करता हूँ कि गरीब की हांडी ना बंद करें, प्लीज़। ये आप जैसे बात सुन रहे हैं, उनका कहना है कि गरीब का रोज़गार ना बंद किया जाए। हम अपनी हदूद के अंदर बैठे कारोबार कर रहे हैं और कुछ और भी रिटेलर्स रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। शेख अली जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आप इंतज़ामिया को? इंतज़ामिया से यही कहना है कि हम अरसा दराज से इधर हम काम कर रहे हैं। ये एक रोड नहीं है, ये प्लाजा एक बिल्डिंग है। हमें 3 फुट की जगह मिली हुई है, 3 फुट की जगह पर हम काम कर रहे हैं। अगर कोई बंदा, कोई हमारा ताजर भाई 3 फुट से आगे गया है तो वो हमें नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। देखिए, एकदम से ऑपरेशन कर देना, रातों रात दुकानें सील कर देनी, ये कोई तरीका कार नहीं है। और दूसरी बात ये कि सारे ये देखें, ये जो बाहर सड़कों पे निकले हुए हैं ये बेरोज़गार हैं, तो खुदाया ये मेहरबानी करें, इन पे रहम करें। इनके ये चूल्हे बंद हुए हैं, नहीं तो अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम सड़कों पर आएँगे इंशाल्लाह। जी, हमारी बात ना मानी गई तो हम सड़कों पर आएंगे, ये कहना है काउंटर रिटेलर्स का। कुछ और भी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो इंतजामिया से क्या मुतालबा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मौज़म भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप ट्रस्ट प्लाजा में आए और ट्रस्ट प्लाजा में आके आपने सब दुकानदारों की आवाज़ को बुलंद किया। जी, हमारा जो आज एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा है ये कमिश्नर सरगोधा के ख़िलाफ़, डीजी सरगोधा डेवलपमेंट अथॉरिटी के, SDA डेवलपमेंट अथॉरिटी के ख़िलाफ़ है, जिन्होंने हमारे जो काउंटर उठवा दिए हैं, जो लोगों के चूल्हे बंद कर दिए हैं इन्होंने। खुदारा हमारी ये रिक्वेस्ट है, ये इज्जत से अपना इज्जत से रोज़गार कमा रहे हैं, इन्हें कमाने दें। अगर आप इनको नहीं कमाने देंगे तो ये देख लें कि माशरे में फिर क्राइम बढ़ेगा, फिर ये सारी वजह आप बनेंगे इसकी। ये बाइज्जत तरीके से रोज़गार कमा रहे हैं, इन्हें आप कमाने दें, और यही हमारा मुतालबा है आला काम से। जी बिल्कुल, जैसे आपने काउंटर रिटेलर्स रहनुमाओं की बात सुनी, उनका कहना है कि हम अपनी हदूद के अंदर बैठे कारोबार कर रहे हैं और इंतजामिया ने रातों रात ऑपरेशन किया और यहाँ पर दुकानें भी सील कर दी और काउंटर्स भी यहाँ से उठवा लिए हैं, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में जो काउंटर रिटेलर्स हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। उनका मुतालबा है कि हमें फिलफोर यहाँ पर कारोबार करने की इजाज़त दी जाए ताकि हम अपने बच्चों और अपनी फैमिलीज़ के लिए रोज़गार कमा सकें।